करहा कांग्रेस कार्यालय प्रभारी बोले, इस बार जनता के साथ साथ कायनात भी हमारे साथ मंत्री को हराकर कांग्रेस रचेगी इतिहास। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों और प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को मतदान होना है, मगर उससे पहले दोनों ही दल अपनी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यालय के प्रभारी मोहन राठौर भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी की विजय कराने में सक्रिय हो चुके हैं और अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर इस बार कांग्रेस की जीत होने का दावा भी कर रहे हैं। कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साहब, अब तो प्रत्याशी भी तय हो चुके हैं कांग्रेस के सुमित्रा के रूप में, अब तैयारियों में क्या तैयारियां चल रही हैं? जी भैया, देखिए तैयारी तो हमारी पहले ही चल रही है, लेकिन जैसे हाईवे पे गाड़ी में एक्सीलरेटर देते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं, ऐसे अब स्पीड पकड़ चुका है हमारा चुनाव। क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके इस चुनाव? देखो, मुख्य मुद्दे आप देख लो, यहाँ से कहीं भी सड़क देख लो, आप सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क हैं, पानी की व्यवस्था देखो, आप पानी के लिए तरस रही है जनता। अभी एक रानीपुरा के लिए और रोहड़ी के लिए रोड रास्ते, माने रोड क्या, जगह ही नहीं है उनको निकलने के लिए, रास्ते रास्ते ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा, अभी उन्होंने चक्का जाम किया था आदिवासी बस्तियों में, मैंने खुद देखा जाके, घुटे घुटे में कीचों में बेचारे आदिवासी लोग निकलने को मजबूर हो रहे हैं। तो मुद्दे तो इतने हैं कि आप ऑटोमेटिक ही अपने आप ही जनता ये कह रही है कि हमको कांग्रेस ही चाहिए। नगर पंचायत बहुत बड़ा यहाँ पे अभी तक बनी नहीं है। देखो, नगर पंचायत के लिए मुख्यमंत्री जी मंच से घोषणा कर देते हैं और उन्हीं के बड़े नेता वो ये कहते हैं कि आप नगर पंचायत बनाओगे तो जनता के लिए और आपके लिए फिर कुछ पैसे की व्यवस्था नहीं होगी, माने आपको फायदा नहीं होगा, माने जनता तो परेशान रहे लेकिन नेता को फायदा होना चाहिए। देखिए विक्की भैया, गुटबाजी क्या, वो घुट रहे हैं कार्यकर्ता, और एक जो मान लो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता आ रहे हैं, और ये मान लो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बिल्कुल कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। क्या मतलब क्या कारण है उनके आने के, क्यों आना चाहते हैं? बीजेपी में उनको देखो, एक तो मान सम्मान नहीं मिल रहा, दूसरी बात उनके कार्यकर्ताओं के विचारों की कोई सुनता नहीं है, कुछ लोग ही यहाँ के मेन कार्यकर्ता हैं वो दूसरों को चाहते ही नहीं है कि ये आगे उठें। देखो मेन मुद्दा तो क्या है, बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ लोग वे भी चाहते हैं कि परिवर्तन होने जरूरी है, जनता तो चाह ही रही है कि परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तक मैं भी देख रहा हूँ कि 15-20 साल से बीजेपी के नेता लोग, बड़े बड़े कार नेता मन से घोषणा कर जाते हैं इस कराल को नगर पंचायत बनाएंगे, लेकिन आज तक नगर पंचायत नहीं बनी, आज तक कोई काम नहीं हुआ, बेचारे आदिवासी लोग परेशान हैं, पूरी जनता परेशान है, तो जनता के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हम खुद ये सोच रहे हैं कि हमारा विधायक बन करके हम सभी को काम करवाएँ। प्रशासन सरकार चुनाव लड़ रही है, रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की है, किस तरह चुनाव? देखिए विक्की भैया, रामनिवास जी कांग्रेस ने जिताए थे और कांग्रेस में उन्होंने गद्दारी कर दी, तो उसका जनता हिसाब लेगी, हिसाब के लिए पूर्ण तैयार है। उधर की तरफ से पूरी सरकार है भाई साहब? देखो, इधर सरकार है तो इधर मुकेश मल्होत्रा अकेला नहीं है, इधर पूरी कांग्रेस सरकार है, पूरे कार्यकर्ता, पूरे हमारे प्रदेश लेवल के नेता, विधायक सब लगे हुए हैं, और ये मान लो क्षेत्र में हमारी बहुत अच्छी पकड़ है और क्षेत्र की जनता भी यही चाह रही है कि अब की बदलाव होना चाहिए। विक्की भैया, जो विजय का आशीर्वाद दिया है देवी ने, 23 तारीख को वो भी पता पड़ जाएगा हमारी विजय होगी, तो जो बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि ये तो ढोंग धतूरे हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा बीजेपी वालों के, जो भी उनके कान खुल जाएंगे, उनको दिख जाएगा को कोई शक्ति हो, देवी अभी होती हैं, अभी तो देखना आप क्या क्या होने वाला है, जनता के साथ साथ कायनात भी हमारे साथ है। प्रत्याशी चयन तो आपका हो चुका है, अब क्या तैयारियां प्रत्याशी की, कितनी क्या तारीख? देखिए विक्की भैया, उस योग में बनवासी आए थे दो, और हमारा प्रत्याशी है बनवासी, और इस योग में एक ही बनवासी काफी है हमारा। तो क्या बिल्कुल विजय, हमारी विजय होगी।